ये है पुलिस थाना केटल फार्म, तहसील झटपट, डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद। यहाँ से ये इलाका है और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था जहाँ पे फूड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। और जैसे ही जो एक नौजवान है अपना टोकन पास करवा के अंदर गया है तो वहाँ पे SHO ने बस जो है फायर किया है बकौल जो यहाँ पे मौजूद थे लोग। तो ये जो है ये पुलिस थाना है, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है और यहाँ पे नौजवान को गोली मारी है और उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए हैं वो रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुँचते ही उसकी डेथ हो गई है। और इसके साथ मैं दिखा दूँ जो मशहूर जगह है यहाँ पे, ये कैडेट कॉलेज है, कैडेट कॉलेज जाफराबाद, ये आप देख सकते हैं। और ये चारों तरफ पानी है, ये बेचारे वो सैलाब से मुतासर लोग थे और यहाँ पर आए थे जबकि ये लोग हैं। और ये सिर्फ 20 किलो आटा के लिए जो है इनकी जान ले ली गई है। अब इसके जिम्मेदारान SHO है, पुलिस है और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे नहीं उनका जो है वो कर सके, इंतज़ाम जो है वो बरकरार मुनज़्ज़म नहीं कर सके और यहाँ पे एक नौजवान की जान चली गई है। यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और ये मुजाहरा है। जॉन छोकरो जॉन छोकरो बजिए जुलुम हले तो एक गरीबन के बोझ हवा वरी घर में ढाणी थी आगे बोझ हमारे। यहाँ हम लोगों को टोकन मिले थे NGOs की तरफ से, यहाँ पे राशन के लिए हम लोग आए, थोड़ी बहुत जो रशकश हो गई तो SHO मकबूल ने कहा कि भाई आप फायरिंग करें बल्कि सीधे मारें इनको। जब उन्होंने गोली मारी शुरू किया, उन्होंने लड़के को गोली लगी तो इसने कहा कि आपने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, उस लड़के को इसने भगा दिया। SHO मकबूल इसमें जो जिसने लगाई है वो ATF का था, वो डेरालर यार से टीम आई थी, यहाँ केटल फार्म की पुलिस भी उनके साथ थी, मकबूल भी उसको जानता है। हमारा एहतजाज है, पुरअमन हमारा एहतजाज है, हम किसी के साथ फायरिंग करने का क्या वजह थी? थोड़ी बहुत रशकश हुई इसकी वजह से उसने कहा कि आप फायरिंग करें। कोई मारधाड़ तो नहीं थी ना? नहीं, पहले लाठी चार ये खुद भी कर रहे थे लोगों को, लोग तंग आ गए तो उसकी वजह से लोगों ने जो है ना अंदर घुसना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई फायरिंग करें आप, और सीधा फायर किया है? सीधा फायर करें। अच्छा, मरने वाला आपका क्या लगता है? मेरा कजन है। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 25 साल उम्र थी, नौरेज नाम है उसका, गाँव हमारी मस्तोई है। कहाँ के रहने वाले? जी गोड निजामुद्दीन मस्तोई, उसी केटल फार्म से। तो आप लोगों का ये सैलाब में मुतासर हुए हैं? जी हाँ, हम लोग सैलाब मुतासर हुए हैं बिल्कुल। जो लिखने आए NGO वाले इन्होंने खुद किश्तियों पे सवार होके हमारे गांव का विजिट किया है। तो अभी भी आप मतलब पानी से होके यहाँ पे राशन लेने के लिए आए थे? पानी में होके हम लोग आए, अभी तक पानी चल रहा है, आप खुद भी चाहे देख सकते हैं। मतलब इतनी मुश्किल से आप लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे राशन देने में भी आपको ये मुश्किल थी? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल थी। पहले तो फुल लाठी चार्ज चल रहा था, लाठियों से गुजर गए तो हमारे ऊपर गोलियां बसाई गई, लाठियों से गुजर गए तो हमारे ऊपर। तो अभी मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हम SHO को जो है मुअत्तल करवाना चाहते हैं। सर मुअत्तल? जी हाँ, मुअत्तल हो जाए, बाकी जो हमारे बड़े हैं वो आपको इंटरव्यू में आपको बताएंगे, जो उनका फैसला होगा हमें वही होगा।